हाय, मैं हूँ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स। हाय आशीष, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। वेलकम वंस अगेन वीकेंड से। थैंक यू। तो बैक टू बैक आप इतना बोल्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले तो आप वो बताओ कि इसके पीछे क्या रहस्य? नहीं, ऐसा कोई रहस्य नहीं है, जाना बूझा कोई रहस्य नहीं है। आई थिंक इट जस्ट हैपेंड कि बैक टू बैक इस तरह की चीज़ें सामने आई, और आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, आपको करने का मन करता है, आपको चैलेंज करती हैं, और मैं कोशिश भी करता हूँ, आई एम ऑन अ लुक आउट ऑफ इस तरह की कहानियों को लेकर कि जिसमें ना केवल लोगों को उसके लिए उससे देकर सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, या नॉट फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट से, बल्कि मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिले एज एन इंडिविजुअल भी, और एक कलाकार के तौर पर भी, और ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ वो लेकर जाएं अपने साथ जब वो घर वापस जाएं। तो मोदी से लेकर के अभी ट्रांसजेंडर का रोल, आप मुझे ये बताइए कितना टफ था, कितनी वर्कशॉप्स करी, कितनी तैयारी करी खुद को इतने बोल्ड रोल में डालने के लिए? तैयारी तो डेफिनेटली बहुत लगती है इस तरह के अगर आप किरदार करें तो। और ट्रांजिशन एक्चुअली उल्टा था, मैंने पहले ये फिल्म आया था फिर मोदी हुआ था। और उसका इसका ट्रांजिशन बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म होना था और साइकोलॉजिकली भी ट्रांसफॉर्म होना था, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल थे। कुछ 4 महीने लगे, और 4 महीने के का पूरा प्रेपरेशन था शूट के पहले का, और वर्कशॉप्स थी ढेर सारी। कुछ 3 महीने केवल जूसेस पे ज़िंदा था, क्योंकि कुछ 25 किलो कम करने थे, और सिर्फ वज़न नहीं घटाना था बल्कि मसल जो है, जो फिज़िकलिटी है पूरी, उससे कम करना था, तो वो बड़ा मुश्किल था। और साइकोलॉजिकली क्योंकि इस तरह के किरदारों में आपको जब तक आप उससे अंदर से ना महसूस कर पाएँ, वो बाकी ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाता है। और क्योंकि कहानी इस तरह की है कि जो ट्रांसजेंडर भी है वो पर्टिकुलरली अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को कर पाती है, और वो एक तरह से उनके पिता ने उसे लड़की की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, तो दिमागी तौर पर वो औरत है, और फिजिकल तौर पर उस एक फिजिकलिटी जो है उसकी वो आदमी की तरह है, तो वो जो डुअलिटी है, वो डुअलिटी को जीना थोड़ा सा मुश्किल था। और क्योंकि मेरे पास में उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे सोचते हैं या कैसे सोचेंगे, तो जो कहानी थी हमने बस उसी पे ध्यान दिया, और उसी के अंतर्गत मैंने उसे तैयार किया अपने अंदर। और रेफरेंस पॉइंट बस वही था कि जो जिस शॉर्ट स्टोरी पर ये कहानी बनी है, हमारी जो फिल्म बनी है संझा, जो किरण सिंह जी ने लिखी है, वो बहुत ही डिटेल उन्होंने लिखा है उसके अंदर, और उनका जो इंस्पिरेशन था उसी को मैंने उसी को अपना बेसिकली उसको अपना बेस बनाकर मैंने पूरा किरदार तैयार किया। ट्रेलर बहुत बोल्ड है, और बहुत कम होता है कि ऐसे रोल करने के लिए लोग हाँ बोलते हैं। पहली बात तो वो आप बताओ, वो इतने बोल्ड सीन्स करने में कोई हेजिटेशन या किसी तरह का कोई संकोच हुआ आपको? नहीं, लिखा ही हमने था, खुद मेरी बीवी ने लिखा है, मैंने लिखा है, तो हमें पता ही था हम क्या कर रहे हैं। अगर हेजिटेशन होती तो हम लिखते ही नहीं वैसा कुछ, उसको स्क्रिप्ट में ही नहीं इंक्लूड करते, पर वो ऑर्गेनिकली स्क्रिप्ट का हिस्सा थी चीज़ें। हमने कुछ सोच समझ कर नहीं लिखा कि हमें जानबूझकर ऐसा कुछ करना है या इतना बोल्ड होना है, वो जिस तरह से वो जो शॉर्ट स्टोरी में चीज़ों को लिखा गया था उसमें लिखा गया था, उसमें विजुअल्स को हमने भरा, और वो विजुअल्स जो थे वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे ही विजुअल्स आ रहे थे कि इसी तरह से शायद हुआ होगा, इसी तरह से वो जो चीज़ जो हमने उसमें दिखाने की कोशिश की है असल में, जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, तो वो उसी तरह से घट सकता है, तो बस वो ऑर्गेनिकली उसमें हुआ। और कुछ सेंसलाइजेशन उसको हमें सेंसेशनल बनाना है या ज़रूरत है ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें करने की, आपको मैं उनमें विश्वास नहीं रखता वैसे भी, और बहुत ही एस्थेटिकली बहुत ऑर्गेनिकली चीज़ों और वो दिखेगा भी, कहानी भी उसी तरह से बढ़ती है आगे, बहुत ऑर्गेनिकली वो सब चीज़ें घटती हैं, तो जितनी और बहुत मज़ेदार बात है कि इतने फेस्टिवल्स में फिल्म दिखाई गई, इतने फेस्टिवल्स में चली है, ऑडियंस ने देखी,
कभी भी ये सवाल किसी ने खड़ा ही नहीं किया कि ये ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि उनके जहन में ही नहीं आया कभी, वो आके निकल जाता है और लोगों को लगता है कि वो बस कहानी का हिस्सा है। इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं, ना किसी ने बात की और बाकी चीज़ों के बारे में लोग बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो वो मतलब कहानी के फ्लो का इतना हिस्सा है कि समझ में नहीं आता कि क्या घट गया, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है आपके ऊपर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिर हम सफल भी रहे जो हम करना चाह रहे थे उसमें। फिल्म का टाइटल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज टाइटल का नाम, फिल्म का नाम बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। जी, खेजड़ी नाम है और खेज क्योंकि जो शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम था संझा, और किरण जी ने ये उसका जो उसके पीछे जो उनका भाव था रखने का, वो था कि सांझ जो होती है वो ना दिन होता है ना रात होती है, और उनके मिलने का एक जो जो मध्य समय है सांझ, और उसके ऊपर उनके किरदार का नाम था संझा। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग, क्योंकि वो कहानी उन्होंने जो लिखी है, उन्होंने यूपी के परिवेश में लिखी है, उत्तर प्रदेश के परिवेश में लिखी है, मैं जब पढ़ रहा था मुझे राजस्थान का परिवेश नज़र आ रहा था, क्योंकि मैं अब शायद वहाँ से हूँ, मैं वहीं पला बढ़ा हूँ, तो मुझे वैसे ही गांव उन्हीं चीज़ों के बारे में वो विजुअल ज़्यादा वैसे मेरे दिमाग में शायद भरे हुए हैं, तो वैसे दिख रहा था। तो राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी का, जो कि आपको जहाँ तक सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा, उसकी खासियत ये होती है कि उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पनप जाता है, रेगिस्तान का पेड़ है, और उसके पत्ते से लेकर उसकी जड़ तक सब इस्तेमाल होता है। तो आप एक तरह से रेगिस्तान की लाइफलाइन कह सकते हैं उस पेड़ को, लेकिन उस पेड़ की कोई कद्र नहीं है, वो जहाँ तक ऐसे ही उग जाता है, ना कोई पानी देता है ना कुछ, तो इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी उसकी कोई कद्र नहीं है। तो वो जो ये जो इस तरह का जो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है इस पेड़ का, तो उस कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर हमने ये टाइटल सोचा, क्योंकि हमारा जो किरदार है उसकी भी जो कहानी है वो कुछ इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन से गुजरती है। इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है फिल्म 19 जुलाई को, बट इसके पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न है और इंडिया में कब हो रही है? जी, पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बाहर मज़ेदार बात है कि हिंदुस्तानी फिल्म है और बिल्कुल हिंदुस्तानी परिवेश की फिल्म है, एकदम जड़ों से जुड़ी हुई, कहानी भी वैसी, विजुअल्स भी वैसे, भाषा हमने बहुत रूटी रखी हुई है, एकदम बहुत रूट्स की भाषा है। तब भी आई थिंक बाहर से जो रिस्पॉन्स हमें मिला दुनिया भर से, वो हिंदुस्तान में नदारद है, और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के फिल्म जगत के जो लोग हैं शायद इस तरह की फिल्मों से थोड़ा घबराते हैं, या पता नहीं कुछ तो एक प्रेजुडिस है इन इस तरह के कंटेंट को लेकर स्पेसिफिकली। तो क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर जितनी भी अच्छी सेंसिटिव फिल्में बनी हैं उन्हें कहीं ना कहीं उतना एक्सपोजर नहीं मिला, इससे पहले भी जितनी फिल्में बनी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रेजुडिस है इन चीज़ों को लेकर, बट ठीक है वो अपनी जगह पर है और कॉमर्स अपनी जगह पर होता है, वो अलग बात है। पर दुनिया से हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने फिल्म को पसंद किया है बहुत, और बाहर की कंपनी है थाईलैंड की, उन्होंने फिल्म को उठाया और वो इसे रिलीज़ कर रहे हैं, थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हैं थाईलैंड में। सो खुशी इस बात की है कि हमारी कहानी जिस तरीके से हमने सोची थी, जो जो इंटेंशन था हमारा कि दुनिया में पहुँचे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कहानियाँ जाए, वहाँ जा रही है। सो आई थिंक इसके बाद शायद हम घुमाकर इसको हिंदुस्तान में भी लेकर आएंगे। कितना क्लोजली आपने डिटेल में स्टडी करी, आप कितना अंदर गए इस कम्युनिटी के, कितने अच्छे से समझा आपने, कैसे किया आपने प्रिपरेशन? देखिए, जानबूझकर और सोच समझ कर हमने ट्रांसजेंडर्स की जो कम्युनिटी है हमारी यहाँ पर, उनसे हम नहीं मिले, ना लिखते हुए और ना मैं तैयारी करते हुए, क्योंकि जब हम किरण जी से मिले और मैंने उनका परसेप्शन समझा कहानी लिखने का, तो उनका परसेप्शन था कि हमारा जो समाज है, जो हिंदुस्तानी समाज है, जो हमारा परिवेश है यहाँ का, उसके अंदर में ट्रांसजेंडर्स की एक प्रोजेक्टेड इमेज बना दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हों, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से बर्ताव करें, पर चूँकि हम उन्हें वैसे ही देखना चाहते हैं और उनके पास में कोई ज़रिया नहीं है इसके अलावा शायद जीवन यापन का, तो इसलिए वो उस तरह से बर्ताव करते हैं। उनको बचपन से सिखा दिया जाता है, उनकी कम्युनिटी उन्हें अपने पास ले जाती हैं और बचपन से फिर वो उसी तरह से पलते हैं, और एक तरह का प्रोजेक्टेड फोर्स्ड एक इमेज उनके ऊपर डालती जाती है, जो उन्हें करनी भी पड़ती है, निभानी भी पड़ती है, और हम चाहते भी वैसे ही देखना है उन्हें। तो
उन्होंने इसको अलग तरीके से देखा था। उन्होंने कहा था कि क्या होगा अगर एक पिता अपनी पुत्री को, जो अगर शायद इंटरसेक्स पैदा हुई है, उसे अपनी औलाद की तरह पाले और उसे ये सब शिक्षा ना दे, इस तरह का एनवायरनमेंट ना दे। एक घर में जिस तरह से कोई बच्चा बड़ा होता है, ऐसे ही वो बड़ा हो, तो क्या वो इस तरह से बिहेव करेगा? नहीं करेगा। तो जो पिता है वो अपनी बच्ची को एक बच्ची की तरह पाल के पोस के बड़ा करते हैं और वो वैसे ही रहती है। तो इसलिए जानबूझकर हम वहाँ नहीं गए ताकि हम कहीं वो वापस वो चादर ना ओढ़ लें, जिस तरह से हमने आज तक सारी फिल्में देखी हैं। और जितना सिनेमा हमारे यहाँ बना है अमूमन वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है जैसे हम उन्हें देखते हैं या देखना चाहते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियाँ नहीं कही गई हैं। और ये कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मैं सडैप्ट करने के लिए इतना उत्साहित था, क्योंकि ये उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई कहानी है और उनके पर्सपेक्टिव को दिखाती है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन के पर्सपेक्टिव को, जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। जिस तरह से हम ताउम्र स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं फिट इन होने की, ऐसे वो भी करते हैं। तो बस इसीलिए हमने जानबूझकर, मैंने ज़्यादा जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं उनके पास में उनसे बात नहीं की, उनके पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं उसे एलिनेट होना चाहता था और इस तरह का परसेप्शन हम लोग रखना चाहते थे कि अगर आप वैसे नहीं हैं और वो प्रोजेक्टेड इमेज नहीं है तो एक साफ़ सुथरी एक किस तरह से इमेज होगी आपकी, तो वो हमारी कहानी का मुद्दा है। तो इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद कोई एक मैसेज जाएगा या कुछ प्रॉफिट होगा उनकी तरफ से या उन लोगों के लिए? शत प्रतिशत होगा। देखिए फिल्म का जो मुद्दा भी है वो यही है कि दुनिया भर में आई थिंक ना सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि LGBTQ जो पूरी एक पूरा अम्ब्रेला है बड़ा, उनके लिए ना बहुत सारी प्राइड्स होती हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो इस समय जागरूकता भी बहुत ज़्यादा है और हमेशा सब लोग बात करते हैं चेंज की, एक चेंज आना चाहिए, एक इंक्लूसिव दुनिया बननी चाहिए, समाज बनना चाहिए। पर हम हमेशा ना पहली चीज़ भूल जाते हैं, एक पहला स्टेप चेंज की बात करते हैं, लेकिन चेंज कब आएगा? तब आएगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमें बदलना तो है, कहीं ना कहीं हम गलत तो हैं, और एक्सेप्टेंस हम लोगों में है नहीं और हम उसे बदलना चाह रहे हैं। इसीलिए आई थिंक जो बदलाव एक्चुअली आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारे जो DNA जो हमारे अंदर है ना, वो बदलाव वो नहीं बदल रहा है। रूल्स भी बना दिए, लॉज भी बना दिए, दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें बातें कही जा रही हैं, कह चुके हैं, बहुत सारी जगह पर लीगलाइज चीज़ें हो चुकी हैं, बट क्या वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कोई बदलाव आया? जब तक उसमें नहीं आएगा इंक्लूसिव वर्ल्ड नहीं हो सकता। किसी पे ज़बरदस्ती तो नहीं थोप सकते, अब भाई हमने लॉ बनाते ज़बरदस्ती थोप लो, अब जब तक आदमी खुद नहीं समझेगा तब तक कुछ अंतर नहीं आएगा। तो हमारी फिल्म का मैसेज नहीं है कुछ भी, हमारी फिल्म एक आईना है, देखिए ऐसा घटता है, ऐसा ये सच्चाई है, अब आप इसे एक्सेप्ट कर लें और फिर चेंज की तरफ बढ़ें। तो पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, देखिए हम ऐसे हैं और इस तरह से ही बर्ताव करते हैं, तो हमने एज इट इज सामने रख दी आपकी आपकी सच्चाई, अब देख लीजिए कैसा है। आशीष आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपने TV भी कर लिया, आपने माइथोलॉजी कर ली, मोदी जैसी वेब सीरीज करी, अभी आप इतनी बोल्ड फिल्म करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप अपनी पूरी जर्नी को और आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म क्या है? ये जर्नी तो काफ़ी मज़ेदार रही और बहुत मैं कहूँगा कि बहुत एनरिचिंग जर्नी रही। शुरू मैंने फिल्मों से किया, मैंने 2 फिल्में की, फिर मैं टीवी में आ गया, फिर टीवी किया और फिर से फिल्म की, वेब किया। सो आई थिंक बहुत ही फॉर्चुनेट मैं महसूस करता हूँ कि मैं इतने सारी जगहों पर और इतने अच्छे अच्छे मेकर्स के साथ में काम किया मैंने और उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। मतलब पहले फिल्म की तो दिव्याकर बैनर्जी थे, पहला वेब सीरीज़ किया तो उमेश शुक्ला हैं, और टीवी में हमेशा सबसे अच्छी टीम्स रही हैं जिनके साथ में काम किया। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको सीखने बहुत मिल जाता है और आपका एक्सपीरियंस एनरिचिंग हो जाता है पूरा, जब आप अच्छे लोगों के साथ में काम करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम करते हैं। तो आई थिंक बहुत ही कमाल की और फॉर्चुनेट जर्नी रही है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको आई थिंक कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और आप फिर उनके ऊपर मेहनत से काम भी कर लेते हैं। आई थिंक मेहनत, काम करना, सीखना सब बात की बात है, अपॉर्चुनिटी मिलना पहले बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो 90% आई थिंक इज लक कि आपको आप सही जगह पर हों उस समय मौजूद और आपके बाद में आपकी काबिलियत काम आती है कि आप उसे कैसे अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से उसको और निखारते हैं। तो कमाल की जर्नी रही और आई थिंक मेरे लिए सबसे मज़ेदार प्लेटफॉर्म फिल्म ही रहा है। सबका अपना अपना मज़ा है, बहुत मज़ा है अपना अपना। वेब मैंने किया, आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत मज़ा आया।
पर आई थिंक जो जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कह लें उसे, या आप प्रोसेस की पूरी बात करूँगा, तो जो जो फिल्म का प्रोसेस मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है और उसमें काम करने में बड़ा मज़ा आता है, और स्क्रैच से आप चीज़ें बनाते हैं, नई चीज़ बना रहे होते हैं और आप इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में क्या होता है डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, आप उनसे आपका कोई रिलेशन ही नहीं होता, आप खाली सेट पर जाते हैं और अपना काम करते हैं, तो वो आप वहाँ पर एक एलियनेटेड सा, मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं थोड़ा एलियनेटेड सा महसूस करता हूँ उस जगह पर, क्योंकि मेरे को खाली स्क्रिप्ट दी जाती है और मुझे अपना काम करना है, बाकी किसी चीज़ पे ना मेरा बस है ना कुछ जोर है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिल्म्स ना इट्स अ कोलैबोरेटिव पूरा टीम एफर्ट होता है और सब चीज़ें आपके सामने बनती हैं, खड़ी होती हैं, ढांचा पूरा तैयार होता है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत एक एनर्जिंग एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपके लिए। सो व्हाट नेक्स्ट और एनी पर्टिकुलर ड्रीम प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट? जी अभी तो दो स्क्रिप्ट रेडी हैं हमारी अपने ही होम प्रोडक्शन में, और एक हॉरर है जो कि फ्रेंचाइज होगी एक, और एक सटायरिकल कॉमेडी है जो जो फर्स्ट हॉरर आई थिंक वो लास्ट क्वार्टर ईयर के फ्लोर पे चली जाएगी, और जो दूसरी फिल्म है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर फ्लोर पे जाएगी। सो फिलहाल ये दो चीज़ें हैं और बहुत अच्छे कुछ वेब के चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल कॉन्क्रीट नहीं है तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट बहुत अच्छे ऑफर्स हैं कुछ कुछ वेब के, तो वो जैसे कॉन्क्रीट होते हैं हम बात करेंगे। हाँ फिलहाल लेकिन टेलीविज़न का ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है मेरे पास में, मतलब लिया नहीं है मैंने अभी, और कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स नहीं है टेलीविज़न के फिलहाल, तो कुछ आएगा तो फ्यूचर में पता नहीं, बट अभी तो नहीं। कोई मैसेज फैंस के लिए चलते चलते? बस यही कि बहुत मेहनत से हमने फिल्म बनाई है, थाईलैंड के फैंस को बोलूँगा, और वो बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरा, थाईलैंड एफसी जो है कमाल का है, उन्होंने मतलब तीन साल चार साल से वो लोग आउटस्टैंडिंग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत पसंद भी करते हैं वहाँ मेरा काम, तो उम्मीद करता हूँ ये काम आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही मेहनत से बनाया है। प्लस यही कि आप बाकी फैन जो है दुनिया निराश ना हो, आप तक ही लेकर आएंगे हम फिल्म धीरे धीरे और पहुँचेगी आप तक बहुत जल्द, बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगा आप लोगों को। और बहुत सारे फैंस ये भी बोलते रहते हैं कि आप कब आएंगे टीवी में, आप कब आएंगे, आप बहुत इंतज़ार कराते हैं हमें हर बार, सो हर बार इंतज़ार का फल मीठा होता है, इस बार भी होगा, तो इंतज़ार कीजिए और कुछ अच्छा लेकर कुछ बेहतर लेकर आऊँगा इस बार। और हमारी तरफ से भी विश यू ऑल द बेस्ट, और हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।